कबीर सिंह जो मूवी थी उसको मैं अपने आप से भी थोड़ा थोड़ा रिलेट करता हूँ। पर्सनल किस टाइप की? पर्सनल हमारी जो फ्रेंडशिप की बातें होती हैं वो थी। 30 साल बाद ज्यादा हैंडसम कौन दिखेगा? आपका फेवरेट वर्ड कौन सा है? मुझे तो कुछ और सुनाई देता है। हाय, दिस इज मयंक मार्कंडे एंड ये है अंकित राजपूत एंड ये है रॉयल रैपिड फायर। चलो मैं पूछता हूँ आपसे, पहले आपका सबसे पसंदीदा सिटी इंडिया में कौन सा है? मुंबई। सबसे टैलेंटेड क्रिकेटर जिसके साथ आपने खेला है? रोहित शर्मा, क्योंकि मैं उनके साथ वहाँ पे 2 साल और मेरे को वैसे भी पर्सनली बहुत अच्छा प्लेयर लगता है वो, तो रोहित शर्मा। अगर आपको मेरे लिए एक गिफ्ट देना चाहोगे तो वो कौन सा होगा? तुझे तो फ़ोन दूंगा। फ़ोन तो इसलिए देना है, इसको दिन भर फ़ोन पे ही रहता है। आपके लाइफ का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी क्रश? अमिताभ बच्चन। क्यों यार? वो तो बॉलीवुड के ही स्टार है, सुपर स्टार है, बचपन से देखता आ रहा हूँ। शोले में जब भी आते थे वही सब देख के बड़ा हुए। एक तो उनका मिमिक्री करने में मजा आता है। सेलिब्रिटी का कोई एक्ट्रेस नहीं? एक्ट्रेस बोला था, शादी हो गई, शादी हो गई, शादी के पहले था। आपके लाइफ की आखिरी मील बची है, क्या खाना चाहोगे? मैं डोमिनोज का पिज्ज़ा खाना चाहूँगा, एक्स्ट्रावेगेंजा, तो क्योंकि जब भी मेरे को चीट करना होता तो मैं वही खाता हूँ और ऊपर से चीज़ बस, तो मेरी आखिरी मील वही होगी। आपका फेवरेट स्पोर्टिंग मोमेंट क्या है? जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। कौन सा वाला? 2007 2011 वाला। तो आपने बैठ के लाइव देखे थे धोनी के छक्के? मैं टीवी पे बैठा हुआ था, मैं, मेरे फादर सब लोग बैठे हुए थे, तो वेट कर रहे थे जब कुलशेखर एक बॉल पे वो हवा में शॉट उठाया ना, तो उसके बाद वो जितना बॉल उठ रहा था उतना हम लोग बेड से उठ गए थे। एक गाना या फिल्म जो आपको पसंद है लेकिन आप लोगों के सामने बोलने में एम्बेरस होते हो? मैं बोलना चाहूँगा कबीर सिंह मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं कबीर सिंह जो मूवी थी उसको मैं अपने आप से भी थोड़ा थोड़ा रिलेट करता हूँ, तो कबीर सिंह। तो एम्बेरस होने की क्या बात है उसमें? तो उसमें ऐसे डायलॉग्स थे और उसने ऐसी एक्टिंग की हुई थी, तो एम्बेरस तो होगा ही बंदा। तो मैं कबीर सिंह बोलूँगा। ओके। 30 साल बाद ज़्यादा हैंडसम कौन दिखेगा, आप या मैं? ये तो मैं ही हूँ ऑफकोर्स। गलत फहमी सबको होती है, आपको भी हो गई, अच्छी चीज़ है। आपके फ़ोन पे आखिरी मैसेज आपने किसको भेजा है? ईशान किशन को। क्यों? हमारी ऐसी बात हो रही थी, क्या कहते हैं, डीवाई पाटिल टूर्नामेंट को लेके और हमारी पर्सनल लाइफ को लेके, तो वही बस उसकी बारे में हम चैट कर रहे थे। पर्सनल किस टाइप की? पर्सनल हमारी जो फ्रेंडशिप की बातें होती हैं वो थी। वर्ल्ड हिस्ट्री में से एक आदमी जिनसे आप मिलना चाहोगे? टफ है यार, बहुत लोगों से मिलना ही चाह रहा हूँ। एक कोई एक अगर आपको, मतलब जिसको आप बहुत ही देखना चाहते हो, पर्सनली मिलना चाहते हो, किस जिसके साथ आप बैठ के डिनर करना चाहते हो, कौन होगा वो? क्रिकेटिंग लाइफ में देखो तो सचिन तेंदुलकर को कौन मिलना चाहोगे? उनके साथ बैठ के डिनर करना, कुछ बातें सुनने को मिलेगी, कुछ क्रिकेट के बारे में सीखने को मिलेगा। आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है? मैं मालदीव्स जाना चाहूँगा, वहाँ पे क्योंकि मेरे को पानी से बहुत लगाव है, वहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा एडमायर करने के लिए बहुत अच्छा है, तो मालदीव्स। तो सोलो ट्रिप पे जाएंगे? नहीं, अपनी वाइफ को लेके जाऊंगा या गर्लफ्रेंड को लेके जाऊंगा। तो जब तो भी जाऊंगा कबीर सिंह के बारे में। हाँ, तो उसकी भी तो गर्लफ्रेंड थी ना वहाँ पे। चलो, थैंक यू मयंक।